साध्वी निरंजना ज्योति जी, अध्यक्ष सभापति महोदय, क्योंकि ये सरकार के मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, एक मैं देश के सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ। मनरेगा के संबंधित यहाँ क्वेश्चन उठा है, देश के लिए एक रूल है, कोई भी राज्य हो, किसी राज्य के साथ हम पक्षपात नहीं करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को अवगत कराना चाहती हूँ, पश्चिम बंगाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ, मेरे मंत्रालय नहीं, इनके अधिकारियों ने स्वीकार किया। हमने कहा उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मनरेगा इसलिए रोका गया है, मनरेगा को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने देंगे। प्रधानमंत्री आवास को बंगला आवास करके दिया गया, हम उसमें भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम देश के कोने में कहीं भी मनरेगा में लूट होगी, हम रोक लगाएंगे, पारदर्शिता से काम करें, हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।